नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार छः का सवाल है क्वेश्चन से इज द अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी ए स्वेयर ऑफ रेडियस आर अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज एट अ हाइट ऑफ आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ हमें बताना है द एस्केप वेलासिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज एफ टाइम्स वी वेयर वी इज द एस्केप वेलासिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ हमें बताना है इस एफ़ की वैल्यू क्या होगी हमारे ऑप्शन हैं वन बाय टू रूट टू वन बाय रूट टू या वन बाय थ्री तो सवाल मुश्किल नहीं है बड़ा सिंपल सवाल है कि यह आपका हमने इस प्रकार ये आपका रेडियस अर्थ या आपका अर्थ है जिसका रेडियस आहर है और ये हमने एक लोकेशन है आर की दूरी पे यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म सेट किया है और यहाँ से अब हम एस्केप वेलोसिटी देना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो पार्टिकल वापस ना आए हमें बताना है कि वहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी है वी एट दिस लोकेशन फ्रॉम सेटेलाइट लोकेशन इज़ एफ टाइम्स वी नॉट और वी आपकी यहाँ पे एसकेप velocity है एफ़ की वैल्यू क्या होगी बेसिकली हमें रेशियो बताना है राइट सो so, हमें पता है कि किसी भी लोकेशन पर एस्केप वेलॉसिटी जो हम लिखते हैं एस्केप वेलॉसिटी वो लिखते हैं अंडर रूट टू जी एम डिवाइडेड बाई आर आर है आपका सेंटर से डिस्टेंस अगर आर सरफेस की बात करेंगे तो ये जी टू जी एम बाई कैपिटल आर या आर ही बन जाता है जिसकी वैल्यू एलेवन किलोमीटर पर सेकेंड आती है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हम इस लोकेशन पे वहाँ से किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो इस आर की वैल्यू टू आर हो जाएगी तो बड़ा सिंपल सवाल वहाँ पे आपकी सेटेलाइट पे एस्केप वेलोसिटी की लोकेशन जो हो गई दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस आर और इसको अगर आपने इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ विल बी इक्वल टू टू जी एम बाई आर अब हमें इन दोनों का रेशो लेना है तो इसको हम लिख सकते हैं वी एस विल बी वी एस डिवाइडेड बाय वी ई विल इक्वल टू अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी टू जी एम डिवाइडेड बाय टू आर मल्टीप्लाइड बाय इसको उल्टा कर लेते हैं सो आर डिवाइडेड बाय टू जी एम तो इसमें टू जी एम कैंसिल हो जाएगा आर कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू वन बाय रूट टू सो इसको हम ये कह सकते हैं क्या आपकी आ, उस जगह से वेलोसिटी ऑफ एसके वेलोसिटी फ्रॉम द सेटेलाइट विल बी इक्वल टू तो वन बाय रूट टू टाइम वी नॉट या एसके वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कह है सकते हैं कि वन बाय रूट टू विल बी द वैल्यू एफ सो दैट मीन्स वन बाय रूट टू ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर